दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर शिमला विधानसभा पहुंचा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने इस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि ना तो पैरा कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई पॉलिसी बन पाई है और ना ही इन्हें उचित वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में इन कर्मियों को कम वेतन में अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पैरा कर्मियों के लिए स्थायी नीति सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो पैरा कर्मी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। सामने हम अपनी पॉलिसी की जो मांगे हैं उसको लेके जो है विधानसभा के बाहर आए हैं, और सर हमारा विधानसभा के बाहर आने का एक मुख्य लक्ष्य और भी है कि हम CM साहब का धन्यवाद भी करना चाहते हैं, इसलिए सर हम यहाँ पर पहुँचे हैं काफ़ी मात्रा में। सर डिमांड सर हमारी, हम सर पैरा वर्कर्स रखे गए हैं जल शक्ति विभाग में 2017, 18, 20, 21 और 23 में सभी भर्ती चली हुई है, और सर हमारी जो डिमांड है सर हमारी, हम जब हम रखे गए थे सर हमें रखे गए 3650 रुपये में सर, जो कि हम मासिक वेतन 3650 रुपये हमें दिया जाता था सर, उसके बाद सर बढ़ा के हमारा अभी फिलहाल में हमें दिया था 4400 रुपया, मल्टीपर्पज़ वर्कर 4400 रुपया, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर 6000 रुपया, और सर अब कल जो अभी बीते पिछले दिन 17 तारीख को जो बजट हमारा घोषित हुआ है उसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को 6600 रुपये का इजाफा करते हुए 5000 रुपया उन्होंने किया है, और पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर का उन्होंने 300 रुपये का इजाफा करके 63 रुपये किया है। जी सर, तो सर इसमें हमारा सर पालन घर का अपना पालन पोषण करना और तो और सर हमारा ड्यूटी पे भी जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सर हमारी जो ड्यूटी है वो भी से कम घर से 30-40 किलोमीटर दूर लगाई जाती है। ना सर हमें महीने में कोई एक हफ्ते में कोई छुट्टी दी जाती है, ना हमें कोई मतलब कोई बीमार हो जाता है, ना हमें कोई मेडिकल लीव दी जाती है। तो सर इसलिए हमारी ये CM साहब से मुख्य मांगे हैं कि हमें हफ्ते में सर एक छुट्टी जरूर दिए जाए और हमें मेडिकल लीव का भी जो है वो प्रदान की जाए। संख्या कितनी प्रदेश में? सर कुल संख्या हमारे 8500 के आसपास हमारी संख्या है सर पैरा वर्कर्स की जल शक्ति विभाग में। अभी तो आप विधानसभा के बाहर आए हैं, अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी की तो अगली क्या रहेगी? सर ऐसा है कि कांग्रेस सरकार को वैसे तो कर्मचारियों की सरकार कहा जाता है, और काफ़ी समय में देखा भी गया है कि कांग्रेस सरकार हमारा कर्मचारियों को हल करती है। अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तब तो हम सरकार का बहुत एक बड़े मतलब उत्सव के रूप में धन्यवाद करेंगे, अदरवाइज अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो सर फिर हम पैरा कर्मचारी जो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। सर ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।